इस ट्यूब में आपको गिवन है कि 12.5 सेंटीमीटर का हमने स्पिरिट डाल दिया, स्पिरिट डाल दिया, और ये जो है ये मरकरी है, दूसरा लिक्विड मरकरी है, तीसरा राइट साइड पे वाटर डाल दिया 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक किस्म का लिक्विड होता तो लेवल दोनों ट्यूब में क्या रहता, सेम। पर यहां से जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि क्योंकि तीन लिक्विड्स हैं, कोई भारी हो सकता है, कोई हल्का हो सकता है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पिरिट हल्की है, स्पिरिट होती भी हल्की है, पानी भारी है, तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए स्पिरिट ज्यादा डली और पानी थोड़ा सा कम डला। और मरकरी इन लेवल है, इन लेवल का मतलब है कि ये और ये लेवल मरकरी का एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट की कितनी है, और रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की 13.6 है, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, मान लो अगर स्पिरिट की निकालनी है तो स्पिरिट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी बॉडी की डेंसिटी को अगर पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मुझे निकालना है। अब इसमें रूल क्या है, आपका जो लेफ्ट साइड, क्योंकि पानी हिल तो रहा नहीं, इक्विलिब्रियम में है बिल्कुल सिस्टम, तो लेफ्ट साइड का जो प्रेशर लगेगा, जो लिक्विड लगाएगा बॉटम पे, और राइट साइड का जो प्रेशर लगाएगा लिक्विड, वो एकदम क्या होगा, वो बराबर होगा। तो जो लेफ्ट का प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड का टोटल प्रेशर होगा एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी ऑफ मरकरी, और राइट साइड का क्या होगा, एच रो जी ऑफ मरकरी प्लस एच रो जी फॉर वाटर। आपको फिर बेस, बेस तो हॉरिजॉन्टल है ना, और एच रो जी में तो जी का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि वर्टिकल प्रेशर से लेने हमने, हॉरिजॉन्टल लेना नहीं है, और ये ट्यूब बहुत पतली सी है, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, क्लियर है यहाँ तक। वैसे भी बॉटम में फर्क नहीं पड़ रहा, मरकरी इधर जाए वो वर्टिकल प्रेशर डिपेंड करेंगे, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इधर चली जाएगी, अगर ज़्यादा हो गया इधर से तो इधर चली जाएगी, पर यहाँ पर बराबर है, और अगर बराबर है तो नीचे का प्रेशर मैटर नहीं कर रहा। तो 12.5 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी ऑफ मरकरी, तो एच रो जी ऑफ मरकरी में डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, मरकरी। फिर राइट साइड पर एच रो जी ऑफ मरकरी प्लस एच रो जी ऑफ वाटर, इक्वेट कर दिया लेफ्ट और राइट का प्रेशर, तो जी 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 कैंसिल हो गया, तो एच रो जी कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों में हाइट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो आपके पास क्या आ गया, 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और हमने क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो डिवाइड करेंगे आंसर 0.8 आ गया, एक आंसर आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट की क्या आ गई, 0.8 आ गई। अगर मैं ये पूछूं स्पिरिट की डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी तो 0.8 है, डेंसिटी क्या होगी, तो स्पिरिट की डेंसिटी होगी 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि किसी भी बॉडी की डेंसिटी जो होती है वो रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है CGS में, तो स्पिरिट की डेंसिटी कितनी आएगी, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब CGS में। और अगर आप SI में सॉल्व करना चाहते हो तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000, तो मल्टीप्लाई करके आप SI के अंदर भी डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब ये यूट्यूब की प्रॉब्लम आएगी, यू शेप ट्यूब्स हैं, उसमें एच रो जी लेफ्ट में और राइट में आपने क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो रूल नंबर 1 क्लियर। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई ये किया, इसी क्वेश्चन के अंदर 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट को और डाल दिया। पहले स्पिरिट कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, पहले स्पिरिट कितनी थी, 12.5 सेंटीमीटर, कह रहे 15 सेंटीमीटर स्पिरिट और ऐड कर दो एंड 5 सेंटीमीटर पानी और ऐड कर दो। तो इसमें करेक्शन कर लेना, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट एंड यहां लिखो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये भी लिखो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड, करेक्शन है। तो स्पिरिट 15 सेंटी, स्पिरिट जो है वो 15 सेंटीमीटर और डाल दी और वाटर जो है 5 सेंटीमीटर और डाल दिया। तो आपके पास क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर स्पिरिट और डालने पे ये हाइट क्या आ गई, 27.5 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से जो वाटर है पहले कितना था, 10, और 5 सेंटीमीटर और डाल दिया, कितना आ गया, 15। अब इस चक्कर में स्पिरिट जो मरकरी है वो पहले सेम लेवल पे थी एच, इस चक्कर में ज्यादा और कम स्पिरिट और वाटर डालने से मरकरी का लेवल हिल गया। तो आपको बताना है कि मरकरी के लेवल में डिफरेंस क्या आया।
तो मान लेते हैं कि जो स्पिरिट है यहां पर उसने मरकरी का हाइट h1 कर दी और वाटर ने यहां से क्या कर दी h2 कर दी, और आपको कैलकुलेट करना है h2 माइनस h1, तो डिफरेंस ऑफ लेवल बताना है मरकरी में कितना है। तो रूल वही लगेगा, अल्टीमेटली तो रुक ही गया वाटर या ये लिक्विड यहां पर आके रुक गया, तो एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू एच रो जी फॉर मरकरी प्लस एच रो जी ऑफ वाटर। तो एच रो जी को इक्वेट कर देते हैं, तो यहां पर क्या रूल लगेगा, 27.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी प्लस h1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और राइट साइड पे h2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और वहां से 15 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो जी 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 भी कैंसिल हो जाएगा, स्पिरिट की डेंसिटी हमने निकाली हुई है ऊपर 0.8, मरकरी की डेंसिटी की रिलेटिव डेंसिटी क्वेश्चन में 13.6 गिवन है, इसको डेंसिटी ऑफ वाटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मरकरी की डेंसिटी कितनी आ जाएगी 13.6, मरकरी की 13.6 और वाटर की 1। तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, H2 और H1 दो वेरिएबल बच जाएंगे, H2 माइनस H1 कैन बी कैलकुलेटेड, सब कुछ क्योंकि CGS में चल रहा है तो हाइट का डिफरेंस भी CGS में आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, HROG लेफ्ट पे और राइट पर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज। सैंपल ऑफ मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर हैज डेंसिटी ऑफ 1032 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, कोई मिल्क है और जिसमें वाटर है, तो कोई दूध वाला है वो क्या करता है मिल्क और वाटर को मिक्स कर देता है, तो मिक्सचर की डेंसिटी कितनी है 1032। अब जो प्योर मिल्क लेते हैं उसकी डेंसिटी है 1080, और आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन मिल्क। तो मिल्क के अंदर जो डाइल्यूटेड मिल्क है उसमें कितना परसेंटेज उसने पानी को डाला, तो आपको बताना है, उसको पकड़ना है, और परसेंटेज कितना वॉल्यूम या कितना मिल्क का है वो आपको बताना है बाय वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है, और सबसे बड़ी बात आपको मिक्सचर की डेंसिटी गिवन है, और जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी वो क्या होगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर दो चीजें क्या होगी, मास ऑफ मिल्क एंड मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मिक्सचर का वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट है मिक्सचर की डेंसिटी का। तो मान लेते हैं कि V टोटल वॉल्यूम है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का, जो सैंपल लिया आपने जिसमें दोनों चीजें मिक्स हैं वो V वॉल्यूम है, और प्योर मिल्क जो इसमें वाटर है, जो वाटर का वॉल्यूम अगर स्मॉल V है तो प्योर मिल्क का वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V माइनस स्मॉल V। तो मिक्सचर की डेंसिटी 1032 की बने, मास ऑफ मिल्क क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इंटू डेंसिटी ऑफ मिल्क गिवन है, वाटर का मास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे सिस्टम है बाई डिफॉल्ट क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाई वी। तो बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्मॉल वी और कैपिटल वी की रेशियो निकालनी है, क्योंकि स्मॉल वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो स्मॉल वी बाई कैपिटल वी जो है 0.6 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% जो है इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम वाटर का। तो कॉन्सेप्ट एक ही है कि मिक्सचर की डेंसिटी इज मिक्सचर का मास अपॉन मिक्सचर का वॉल्यूम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, इस क्वेश्चन को देखिए, आर्किमिडीज के ऊपर बेस्ड है।
क्वेश्चन है पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी गिवन एंड इज टाइड विद अ मेटल लंप ऑफ डेंसिटी गिवन. तो आपको दो चीजें गिवन है, एक आपको कोई कॉर्क गिवन है और साथ में उसका मेटल गिवन है. तो आपको दोनों की डेंसिटी गिवन है, ठीक है यहां तक. तो एक की डेंसिटी कितनी है 250 और एक की डेंसिटी कितनी है 8×10³. आगे और जो मेटल है उसकी डेंसिटी के साथ मेटल का मास भी गिवन है. तो चलो मेटल की दो चीजें गिवन है, मेटल की डेंसिटी भी गिवन है, मेटल का मास भी गिवन है. इसकी सिर्फ डेंसिटी गिवन है. द कॉम्बिनेशन जस्ट फ्लोट्स इन वाटर. ये जस्ट फ्लोट किसे बोलते हैं? जस्ट फ्लोट का मतलब ये पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस के बाहर आगे फ्लोट नहीं कर रहा, बिल्कुल सरफेस के टॉप तक फ्लोट कर रहा है बस. तो मतलब बिल्कुल भी पोर्शन ऊपर नहीं है, बस सरफेस के साथ साथ इसका पोर्शन है, दैट्स इट. तो पानी के सरफेस के साथ साथ वॉल्यूम है, ऐसे तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है. आगे कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास ऑफ कॉर्क. तो इसका मास और वॉल्यूम दोनों निकालना है. तो क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है और फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी चीज जब फ्लोट करती है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी. अब अगर होल वेट की बात करते हो तो इसका मास अगर m है, इसका m डैश है, जो मुझे गिवन नहीं है दोनों, नहीं एक का तो खैर गिवन भी है मुझे, एक का गिवन नहीं है. तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? m प्लस m डैश इनटू g. mg और m डैश g टोटल वेट हो जाएगा. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी. होल वेट तो आ गया. तो इसके अंदर जो कॉर्क है इसकी डेंसिटी भी गिवन है, कितनी 250 लिख लेते हैं. डेंसिटी गिवन है यहाँ पर 250 और जो मेटल है उसकी डेंसिटी 8×10³. तो जो मेटल है उसका मास भी गिवन है. तो आप खुद सोचो अगर मेटल की डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे. तो वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास है. तो इसका मतलब मेटल के लिए डेंसिटी भी गिवन है, मास भी गिवन है, तो समझो वॉल्यूम भी गिवन है, तीनों चीज़ें गिवन है. और जो कॉर्क है उसके लिए वॉल्यूम नहीं पता, डेंसिटी पता है. तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो मास भी नहीं पता, वो भी वॉल्यूम की फॉर्म में पता है. क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो चीज़ें गिवन है उसका टेबल बना लिया. तो अब रूल क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अब क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी पानी के अंदर जाके तैर रही है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेंगी? वी प्लस वी डैश. तो वी प्लस वी डैश वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. और क्योंकि वेट किसका निकल रहा है? लिक्विड का. तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की. और यहां पर लिक्विड कौन है? वाटर. तो वाटर की बाई डिफॉल्ट डेंसिटी क्या होती है? 1000×g. तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी. अब होल वेट में क्या है? mg और m डैश g. तो m यहां से क्या पुट कर सकते हैं? v into 250 और m डैश आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है 0.024. तो एक काम करते हैं, यहां पर v की वैल्यू तो ऐसी रहने दो, यहां पर v डैश को आप पुट कर सकते हो क्योंकि v डैश आपने निकाल लिया था. तो v डैश की वैल्यू मास बाय डेंसिटी आपने पुट कर दी. अब आपके पास एक ही वेरिएबल रह गया और वो है v. इसे सॉल्व करके v कैन बी कैलकुलेटेड. और अगर आपके पास v आ गया तो समझो यहां से क्या आ जाएगा? मास कैन बी कैलकुलेटेड. तो v आ गया तो मास भी आ जाएगा. तो आपको आइडिया क्लियर है, राइट? ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, पीस ऑफ आयरन वेज 400 ग्राम फोर्स इन वाटर. तो एक बात तो पक्की है, ये पानी के अंदर वेट है आयरन का, आयरन तैरता तो है नहीं, इसका एक्चुअल वेट नहीं है. तो हवा में जो वेट होगा वो इससे तो क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा. तो जब आप पानी में या लिक्विड में किसी भी आयरन के पीस को डालोगे तो आर्किमिडीज क्या कहता है? देयर विल बी लॉस इन वेट. तो लॉस इन वेट हो जाएगा.
तो गिवन डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है, आपको वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है। सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये जो वेट गिवन है वो वाटर के अंदर वेट गिवन है, और आपको किसमें निकालना है, आपको आपको वॉल्यूम जो निकालना है आयरन का निकालना है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर ये वेट जो है वो किसमें गिवन है, वाटर में, तो एक्चुअल वेट इससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, लॉस इन वेट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जब कोई बॉडी पूरी तरह इमर्स्ड हो जाती है तो हमने किया था कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट। तो मान लो हवा में वेट कितना है W1, और लिक्विड में कितना है W2। अब जो W2 है, जो W2 है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 400 ग्राम फोर्स, और रूल क्या है फोर्स चैप्टर का कि अगर ग्राम फोर्स है इसको 980 से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो इसको डाइंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 980 से मल्टीप्लाई करके हमने किस में निकाल दिया, डाइंस में निकाल दिया। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर मान लेना है कि मास आयरन का एम है, सब कुछ सीजीएस में चल रहा है, तो हवा में वेट क्या हो जाएगा एम इंटू 980। तो वेट इन एयर, वेट इन वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, क्योंकि लिक्विड यहां पर वाटर है तो डेंसिटी भी किसकी, वाटर की। अब वॉल्यूम क्या है इस आयरन का, मास एम डिवाइडेड बाई डेंसिटी, और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो यहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर ली, यहां पर वेरिएबल क्या चल रहा है सिर्फ मास, तो सॉल्व करके क्या निकाल लिया मास, पर अपने को क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है मास बाय डेंसिटी, तो मास लिया इसको डेंसिटी से डिवाइड किया और वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक। तो आर्कमिडीज के लिए जो आपकी SCL की बुक है उसमें अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी 8-10, तो उसको जरूर सॉल्व करना, कि आर्कमिडीज प्रिंसिपल लगाना कैसे आपको प्रैक्टिस करके ही पता लगेगा। ऐसा नहीं है 2-4 क्वेश्चन कर लिया आर्कमिडीज आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप नहीं अप्लाई करेंगे 8-10 क्वेश्चन तब तक आपको आर्कमिडीज कभी नहीं आएगा, और एक बार 8-10 क्वेश्चन कर लिए तो आर्कमिडीज कभी जाएगा भी नहीं, है ही बहुत आसान। तो बस इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि गिवन क्या चीज़ें हैं हमें, बस वो इकट्ठा करना है। कॉन्सेप्ट तो एक ही आर्कमिडीज का कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, ठीक। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन लास्ट टाइम किया था, जिसमें क्या किया था कि अगर आप मान लो कोई लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है और एक्सेलरेट ए कर रहा है, तो इसमें तीन पॉइंट्स हैं ए सी और बी, और ये एल गिवन है, ये एच गिवन है, और डेंसिटी लिक्विड की रो गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, पी बी माइनस पी ए निकालना है, पी बी माइनस पी ए। तो एक काम करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, एक बार प्रेशर का डिफरेंस वर्टिकल में लेंगे और एक बार प्रेशर का डिफरेंस हॉरिजॉन्टल में लेंगे। तो अगर हम वर्टिकल में लेंगे, या चलो पहले हॉरिजॉन्टल में लेंगे, तो क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो सी का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा ए से, क्योंकि पानी पीछे की तरफ ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो पी सी माइनस पी ए क्या होगा, एच की जगह एल इंटू डेंसिटी रो इंटू एक्सेलरेशन की जगह जी की जगह ए। तो यहाँ से पी सी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पी ए, फिर अब वर्टिकल में लगा लो, पी बी माइनस पी सी क्या होगा, पी बी माइनस पी सी इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। इस पी सी की पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ से क्या जाएगा पी बी माइनस पी ए जो हमने निकालना है आंसर, तो पी बी माइनस पी ए इज टू बी कैलकुलेटेड आंसर, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज, कैसे करेंगे सोचें, तो करके देख लें इसे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपके पास एक ट्यूब है, ठीक, लिक्विड की भरी हुई एक ट्यूब है, और क्योंकि डेंसिटी एक जैसी है लिक्विड की, तो होना तो ये चाहिए था कि दोनों में लेवल क्या होने चाहिए थे, एग्जैक्टली सेम लेवल लिक्विड का दोनों ट्यूब्स में सेम होना चाहिए था, पर आपने क्या किया, आपने सिस्टम को एक्सेलरेट करवा दिया। जब एक्सेलरेट करवाया तो सूडो फोर्स लिक्विड के पीछे लगी, पीछे जगह नहीं थी तो लिक्विड ऊपर चढ़ गया, तो ये तब तक ऊपर रहेगी हाइट इससे जब तक आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो। अगर आपने एक्सेलरेशन जीरो कर दी, रोक दिया, तो फिर लेवल फिर से क्या हो जाएगा दोनों का सेम। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू क्या हो, ताकि इसमें लेवल एच टू आ जाए और इसमें लेवल एच वन आ जाए। तो कर सकते हैं ट्राई, इसको ट्राई करें। आप इसमें क्या करें, टू पॉइंट पर प्रेशर निकाल लें, वन पॉइंट पर प्रेशर निकाल लें, फिर प्रेशर डिफरेंस वन और टू का निकाल लें, एक बार खुद एक बार ट्राई करके देखें, मे बी आंसर आ जाए। तो पहले वन पॉइंट पर प्रेशर लिखें, टू पॉइंट पर प्रेशर लिखें, और फिर प्रेशर डिफरेंस वन और टू का निकाल लें।
ठीक, देखो तो आपने क्या करना है इसमें, मैंने क्या सिखाया, आप पहले एक काम करें, आप ना वन पॉइंट पर प्रेशर बताएं क्या होगा। वन पॉइंट पर प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू एटमोसफेयर प्लस एच वन रो जी, तो लिख लिया वन का प्रेशर। फिर आप टू पॉइंट का प्रेशर बताएं क्या होगा, पी एटमोसफेयर प्लस एच टू रो जी, तो पी टू भी आ गया। एक काम करें, जब ये एक्सलरेट कर रहा है तो वन पॉइंट का प्रेशर टू पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा, तो वन का प्रेशर टू पॉइंट से ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा, पी वन माइनस पी टू इज एल रो इंटू ए, तो पी वन माइनस पी टू इज एल रो ए। पी वन आप निकाल चुके हैं पुट कर दें, पी टू निकाल चुके हैं पुट कर दें, माइनस करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये टर्म आ जाएगी। यहां से सॉल्व करके एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो कुछ नहीं करना, आपको आता भी क्या है, वर्टिकल प्रेशर निकालने और हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालना, तो दोनों बारी क्वेश्चन को लगाएं और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर जो आपको पता होने चाहिए, तो वैसे तो ये मैंने बता ही दिए हैं, फिर भी देख लो एक बार। ठीक, देखो तो सपोज करो आपके पास दो लिक्विड्स हैं विद वॉल्यूम वी वन वी टू और डेंसिटी रो वन रो टू, आप दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास में क्या लिखेंगे, वी वन रो वन प्लस वी टू रो टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। उसी तरीके से अगर आपके पास वो कह रहे हैं दो लिक्विड्स हैं सेम मास के, मास इज सेम एंड डेंसिटी रो वन रो टू मिक्स हो गए, तो डेंसिटी मिक्सचर की क्या होगी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास में एम प्लस एम और टोटल वॉल्यूम में एम बाय रो वन एम बाय रो टू, एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, पर मेरे हिसाब से दोनों फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, बस आप ये याद रखो कि टोटल जो मिक्सचर की डेंसिटी है इस टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम सफिशियंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेंडुलम वाला, इसको मैं अपने तरीके से करवाता हूँ। तो पेंडुलम वाली प्रॉब्लम देखो कैसे करनी है, इसको समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक पेंडुलम है, ये केस नंबर वन है, केस नंबर वन एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम की लेंथ एल है, तो अगर ये पेंडुलम को मूव करवाया जाए और ये एयर में है तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्या आएगा, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। ऐसा किया हमने तो आपका टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो हमने ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब केस नंबर टू, केस नंबर टू में आपको कहा जाएगा कि अगर ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम को मैंने किस में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, ये रुको, ये लिक्विड में डाल दिया, पेंडुलम की खुद की डेंसिटी रो है और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है। अब वो कह रहा है कि टाइम पीरियड बोलो क्या होगा, इसमें सेकेंड केस में जो टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू टू पाई, हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम को तो चेंज किया नहीं, तो ऑब्वियसली क्या चीज चेंज हुई होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी क्यों चेंज हुई, क्योंकि पेंडुलम जब लिक्विड में गया तो पेंडुलम का वेट कहां ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हुआ क्या, लिक्विड ने इसके ऊपर क्या लगाया, अप थ्रस्ट, तो पेंडुलम का वेट थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि अप थ्रस्ट लगा तो पेंडुलम हल्का हो गया। तो पेंडुलम जब हल्का हुआ तो उस केस में क्या हुआ, पेंडुलम का वेट था एम जी, इसमें से क्या माइनस किया, अब था तो नया वेट आ गया, नए वेट में मास तो चेंज होगा नहीं, तो क्या चीज चेंज हुई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी डैश आ जाएगा। तो ये जो वेट है वो किसका वेट है, बॉडी का, पेंडुलम का वेट है, और अब थ्रस्ट किसकी वजह से होता है, लिक्विड की वजह से। तो जब मैं यहां पर मास की वैल्यू पुट करूंगा वॉल्यूम इनटू, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की, क्योंकि वेट किसका है, बॉडी का, इनटू जी। अब थ्रस्ट में जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना लिक्विड का वॉल्यूम में डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि अब थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एक ही बात है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, क्योंकि अब थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो वेट ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी भी किसकी, लिक्विड की, इज इक्वल टू मास, मास किसका, बॉडी का, क्योंकि ये नया वेट किसका है, बॉडी का, तो बॉडी का मास कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी डैश, तो यहां से वी वी और वी क्या हो गया, कैंसल, तो जी डैश की वैल्यू आ गई रो माइनस सिग्मा इनटू जी डिवाइडेड बाय रो, तो ये आपके पास नई जी डैश की वैल्यू आ गई। अब जो टाइम पीरियड होगा, इसमें टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी, इसमें आप कैलकुलेट कर लेना, टाइम पीरियड जो नया आएगा
is 2 pi under root of L divided by G dash. That is 2 pi under root of L divided by G dash की जगह rho minus sigma into G divided by rho. Solve कर लेना, आंसर आ जाएगा. तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है. तो पेंडुलम की प्रॉब्लम बहुत आती है, और किसी भी पेंडुलम को जब हम लिक्विड में इमर्स कर देते हैं उसका वेट चेंज हो जाता है, और वेट क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट. तो आप एक्चुअल वेट में से अप थ्रस्ट को माइनस करके नया वेट एम जी डैश निकालते हैं, वहां से जी डैश कैन बी कैलकुलेटेड. तो स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, यहां तक ऑनलाइन क्लियर है? यस ठीक. यस सर, ये एक प्रॉब्लम है, आपको हर बुक में मिलेगी. मेंस में दो बार आई हुई प्रॉब्लम है ये, तो एनसीईआरटी में मैं कह नहीं सकता आसान आए मुश्किल आए, लेकिन हाँ मेंस में तो दो बार आई हुई प्रॉब्लम है. तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक ट्यूब है जो कि सर्कुलर शेप है. ये ट्यूब है, ठीक. तो ये एक ट्यूब है और इसमें वो कह रहे आर इसका रेडियस है, वर्टिकल प्लेन में है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स हुज डेंसिटीज आर रो वन एंड रो टू, और रो वन ग्रेटर देन रो टू. तो दो लिक्विड इसमें डाल दिए, एक की डेंसिटी ज्यादा और एक की डेंसिटी कम है. जिसकी ज्यादा डेंसिटी वो भारी है तो वो नीचे आएगा, और हल्के वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा. तो कुछ ऐसा केस बना, और वो कह रहे हैं फाइंड एंगल थीटा. आपको एंगल थीटा बताना है बिटवीन रेडियस वेक्टर. तो इसको थोड़ा सा फिगर को और थोड़ा नीट बनाएं, तो ये फिगर कुछ ऐसी दिखेगी आपको. ये देखो, ये देखो, ये आपके पास एक ट्यूब है, ठीक. ये लो, ये ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड डालते हैं. तो इसके अंदर जो पहला लिक्विड है, सपोज ये आपका पहला लिक्विड है, थोड़ा हैवी लिक्विड है. इसकी डेंसिटी कितनी है? रो वन. इसकी डेंसिटी है रो वन, ठीक है. इसके ऊपर एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो टू. ये देखो ऐसे, यहां तक डॉटेड डॉटेड सेकेंड लिक्विड है मान लो. तो दो किस्म के लिक्विड है, ये रो टू और ये रो वन, ठीक है यहां तक. तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया है, आपको ना फिगर गिवन होगी और आपको एंगल्स भी गिवन होंगे. जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है, और सपोज थोड़ा ज्यादा बन गया लिक्विड, मुझे थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे बनेगा लिक्विड ये वाला. ये लो, तो इसके अंदर ऐसे बना लेते हैं, सच दैट ये सेंटर है, ये सेंटर, और ये जो एंगल आपको गिवन होगा वो कितना गिवन होगा? थीटा. और आर रेडियस है, आपको ये निकालना है क्या होगा, ठीक. अब लॉजिक क्या लगेगा ये समझते हैं. लॉजिक वही है, लिक्विड रेस्ट पे है दोनों के दोनों, जैसे भी पड़े हुए हैं. तो लॉजिक ये है कि लेफ्ट साइड पे अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट लूं, तो लेफ्ट साइड पे एच रो जी ऑफ लिक्विड और राइट साइड पे एच रो जी ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम. और एच रो जी में जो हाइट लेनी होती है वो वर्टिकल हाइट लेनी होती है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, और सिर्फ वर्टिकल हाइट देखती है, वो टेढ़ी आर्क नहीं देखती. कहने का मतलब, अगर मैं एक काम करूं इसके अंदर, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कि सपोज करो जैसे ये जो लिक्विड है वो मैंने यहां तक बनाया, थोड़ा बराबर बराबर बनाया, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं ऐसे, ठीक. तो सपोज करो एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन खींच ली मैंने, वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच ली. क्यों खींची? क्योंकि मेरे को एच रो जी लेफ्ट पे और राइट पे कैलकुलेट करवाना है, ठीक है. एच रो जी की वैल्यू लेफ्ट पे और राइट पे मुझे कैलकुलेट करवानी है. तो यहां पर जो भी हाइट होगी लिक्विड की रेड कलर की, और यहां पर जो हाइट होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी? वो सेम होगी. क्योंकि अगर मैं ये हाइट कंसिडर करता हूं लिक्विड की, और यहां से ये वाली हाइट कंसिडर करता हूं, वो दोनों हाइट्स की वैल्यू क्या आएगी? एग्जैक्टली सेम. तो जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें लेफ्ट के प्रेशर होंगे और राइट के प्रेशर होंगे, तो उसमें एच रो जी दोनों में क्या हो जाएगा? कैंसल होगा ना, क्योंकि हाइट तो बराबर है, लिक्विड की डेंसिटी भी बराबर है. तो इसलिए इतने पोर्शन को कैलकुलेशन में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए इसको कैलकुलेट ही मत करो. हाँ, बाकी कैलकुलेशन जरूर करेंगे. बाकी कैलकुलेशन के अंदर जैसे ये लिक्विड मान लो यहां तक है, ये लिक्विड यहां तक है,
बाकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, बाकी कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, ये हाइट निकाल लेंगे, ये देख रहे हो हाइट, ये हाइट निकाल लेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये प्रेशर है, और राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम ये हाइट निकाल लेंगे। अगर ये हाइट निकाल लें तो एच रो जी इसकी इक्वल का आ जाएगा, और फिर ये हाइट भी निकाल लेंगे, ये देखो ये हाइट भी निकाल लेंगे, तो एच रो जी इस ब्लू लिक्विड का भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब लॉजिक ये लगेगा, लेफ्ट राइट साइड पे एच रो जी इस लिक्विड का प्लस एच रो जी इस लिक्विड का इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे एच रो जी इस लिक्विड का, अगर हम इक्वेट कर दें, क्योंकि इसको लेने का फायदा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड मूव तो कर नहीं रहा, तो लेफ्ट और राइट साइड का चेंज इन प्रेशर विल रिमेन सेम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको इमेजिन करना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ऑनलाइन क्लियर है कि कैसे इमेजिन करना है, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को? यस ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ी ज्योमेट्री वगैरह यूज करनी पड़ती है इसमें। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जैसे यही फिगर दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत अच्छी फिगर नहीं है पर चलो समझ फिर भी आ जाएगी कैसे, ये ध्यान से देखना प्लीज। देखो, तो मैंने ये लाइन खींच दी, तो नीचे के लिक्विड को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मैंने बताया। फिर मैंने क्या कहा, ये आपको एंगल थीटा गिवन होगा, ये लिक्विड यहां तक है, तो आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये थीटा गिवन है, तो आपको इस लिक्विड की अगर ये हाइट निकालनी है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज दिस अपॉन आर, तो दिस इज इक्वल टू क्या, आर साइन थीटा, तो इस लिक्विड की हाइट आ गई। फिर ऐसी ये वाली हाइट भी निकालनी पड़ेगी, ये हाइट क्या आएगी, तो आप एक काम करो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आर ये थीटा, तो ये टर्म क्या आएगी, आर कॉस थीटा, ये क्या आएगा, आर कॉस थीटा, तो ये हाइट भी आ गई कितनी, आर कॉस थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आप इसमें ट्राइंगल्स लेना, पहला ये ट्राइंगल लेना तो ये आर साइन थीटा, दूसरा ये ट्राइंगल लेना तो ये हाइट आर कॉस, इसके नीचे की हाइट लेने की जरूरत नहीं, बराबर लिक्विड है। तो राइट हैंड साइड की हाइट्स आ गई। अब लेफ्ट की हाइट पे चलते हैं। लेफ्ट की हाइट के अंदर मुझे एक चीज बताओ कि ये जो ट्राइंगल आपने लिया था यहां से यहां तक, ये वाला, इसकी हाइट क्या आई थी, आर कॉस थीटा, ये हाइट आर कॉस थीटा थी, क्लियर है? एक बात बताओ कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला लूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा तो ये आर, तो ये वाली हाइट क्या आएगी, आर साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली हाइट आर साइन थीटा, और ये वाली हाइट क्या थी, आर कॉस थीटा, और हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली हाइट निकालनी है जो कि सिर्फ ये वाली हाइट है, तो ये वाली हाइट क्या आएगी, आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। स्टेप समझ में आया कि अगर टोटल हाइट निकालने आर कॉस थीटा में से इतनी सी हाइट निकाल दें आर साइन थीटा, तो ये बची हुई हाइट आ जाएगी जो कि क्या आएगी, आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। तो टोटल ज्योमेट्री है इसका मतलब, फिगर आपको गिवन होगी, फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा नहीं गिवन होगा, इसके अलावा सब कुछ गिवन होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे इसमें, आप सिंपली इसमें पहले एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की हाइट लेंगे ये वाली, तो एच की जगह ये पूरी की पूरी टर्म इंटू रो वन इंटू जी, तो लेफ्ट का प्रेशर आ गया, राइट के प्रेशर में रो टू लिक्विड दिख रहा है इधर भी और इधर भी, तो आर कॉस थीटा इंटू रो टू इंटू जी और आर साइन थीटा इंटू रो टू इंटू जी, तो आपने वैल्यूज को पुट कर लिया यहां पर, तो लेफ्ट और राइट का प्रेशर को इक्वेट कर लिया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसे ओपन कर लें, ओपन करके जी आर और जी आर कैंसल, तो यहां से रो वन और रो टू की रेशियो आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, वन, और साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन, ऐसी ये टर्म क्या आ जाएगी, वन, और ये क्या हो जाएगा, टेन, तो रो वन रो टू टेन की फॉर्म में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको तो एंगल निकालना है इसमें थीटा, इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ओपन करें, टेन थीटा वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लें, टेन थीटा, तो थीटा टेन इनवर्स में आएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस मार्क करने को आएगा, ये ऑप्शंस गिवन होंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। पर लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे लेफ्ट और राइट का प्रेशर इक्वेट करना है। हो सकता है वो आपको जो ट्यूब है वो सर्कुलर ना दे, ट्राइंगुलर दे, तो ट्राइंगुलर के अंदर भी हाइट लेफ्ट पे और राइट पे विल रिमेन, कोई मर्जी शेप दे दे, चाहे यू शेप दे, चाहे सर्कल दे, चाहे ट्राइंगल दे, लेफ्ट और राइट का प्रेशर सेम है, बस यू शेप ट्यूब में
एक बेनिफिट है, उसमें ज्योमेट्री लगानी नहीं पड़ती क्योंकि सारी हाइट वर्टिकल गिवन होती है। अगर शेप चेंज की उसमें कोई ना कोई एंगल लगा के वर्टिकल हाइट्स निकालनी पड़ेगी, बाकी सब सही है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैरोमीटर, इसको एक बार देखते हैं।